सो हेलो हेलो हेलो, वेरी वेरी वेलकम टू अनदर चैप्टर। और आज एक दिन के बाद मैं पूरा वीडियो डाल रहा हूँ। आज शायद ट्यूसडे है, सो जब आप लोग देख रहे होगे, हाँ ट्यूसडे ही रहेगा ऑब्वियसली। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं बिजी था, अपने जो पुराने लोड आउट्स थे मेरे उसको मैं क्लियर कर रहा था। ठीक है, सो फटाफट से चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने के पहले फटाफट से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने फेलो एस्पिरेंट से जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं उसके साथ शेयर ये जरूर करना। ठीक है, सो फटाफट लाइन बाय लाइन स्टार्टेड है। थंबनेल में दिखा हुआ लाइन बाय लाइन, तो हम लोग लाइन बाय लाइन ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट बुक्स है ना, बुक्स एंड बरियल स्टेल्स। व्हाट इज बुक्स एंड व्हाट इज बरियल। बुक इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन द नंबर ऑफ पेजेस। एंड व्हाट इज बरियल्स, बरियल्स आर समथिंग जहाँ पर लोगों को गाड़ा जाता है या जलाया जाता है उनके रिचुअल के या रिलीजन के हिसाब से। क्लियर, सो सबसे पहला लाइन क्या है भाई, यू मे हैव हर्ड ऑफ द अबाउट वेदास। ठीक है, वेदास के पहले यहाँ पर एक लाइन है क्या, द ओल्ड लिटरेरी सोर्सेज। सो ये चीज़ जानो कि लिटरेरी सोर्स क्या होता है। ठीक है, लिटरेरी सोर्स, देखो लिटरेरी सोर्स का मतलब होता है ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसको हम लोग पढ़ सकें। क्लियर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या क्या आ सकती हैं भाई, इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी आता है। ठीक है, इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ साथ हम लोग इंस्क्रिप्शन को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस। क्लियर, बहुत सारी चीज़ें जैसे चरिता हो गई, संहिता हो गई, वेदास हो गई। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को बात हो रही है वेदों के बारे में, वेद। ठीक है, तो वेद के बारे में जानो ये है क्या। ठीक है, देर आर नियर अबाउट 4 टाइप्स ऑफ वेद। कौन कौन से हैं भाई, एक है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है अथर्ववेद और एक है यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है इज द ओल्डेस्ट बुक, ठीक है, इन द वर्ल्ड विच इज मोर देन 5000 ईयर्स अगो। ठीक है, ऐसा बोला जाता है 5000 ईयर्स अगो। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ऋग्वेद में एक रिवर है, एक नदी है जिसका नाम है रिवर सरस्वती। ठीक है, वो आज से नियर अबाउट 25000 ईयर्स अगो थी फिजिकली मौजूद इंडिया में। ठीक है, लेकिन उस बुक में सरस्वती रिवर के इसलिए इतनी अच्छे से लिखा हुआ है कि वो जब बहती थी सो ऐसा आवाज़ आता था जैसे बादल गरज रहा हो। सो जो इतनी विशाल का है पूरी समुद्र नदी थी वो, लेकिन वो चली गई। और इस तरीके से डिटेल में सरस्वती रिवर के बारे में लिखा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई उसे देखे बिना इतना स्पेसिफिक डिटेल नहीं दे सकता। सो ऐसा भी हो सकता है कि ऋग्वेद 5000 ईयर से भी ज़्यादा पुरानी हो। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में, देयर आर 4 ऑफ देम। कौन कौन सा भाई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद दैट आई टोल्ड यू अर्लियर। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेद, ओल्डेस्ट ऋग्वेद एंड इट इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। इट इज कम्पोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो। मैंने यहाँ 5000 ईयर्स लिखा है, यहाँ पे 3500 है, और मैंने यहाँ इसको ये भी बोल दिया कि 25000 साल पुरानी भी हो सकती है ये। ठीक है, इसके प्रॉपर एकदम 100% एविडेंस नहीं है कि ये कितनी पुरानी है, लेकिन इसे 5000 ईयर्स पुरानी माना जाता है। ठीक है, द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 ऑफ हाइम्स, देर आर मोर देन 1000 हाइम्स, देर आर नियर अबाउट टोटल 10800 हाइम्स। ठीक है, अराउंड आई एम सेइंग दिस अप्रॉक्स 10800 है। ठीक है, विच इज कॉल्ड द सुक्त और वेल सेड। सुक्त का मतलब होता है वेल सेड। ठीक है, दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस। देर आर different types of god and different types of goddesses in our Hindu culture. और कितने हैं भाई, there are 33 crore। ठीक है, there are 33 crore देवताज। कोटीज का मतलब क्या होता है, types, categories, 35 types के बोलते हैं उसको। बहुत लोग इसको 33 crore भगवान बोलते हैं, but it is not 33 crore, it is 33 crore या category। ठीक है, 3 gods are specially important। कौन कौन से gods important है भाई, दे आर अग्नि गॉड ऑफ फायर, इंद्र गॉड ऑफ इंद्र गॉड वॉरियर गॉड एंड सोम अ प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। इंद्र इज गॉड ऑफ रेन एंड थंडर। ठीक है, दीज हाइम्स आर कंपोज बाई सेजेस। सेजेस का मतलब होता है ऋषि। ठीक है, प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। अब यहाँ पे देखो, जो भगवान सॉरी जो पंडित होते थे, देवर स्पेशली टीचर्स ऑफ दैट टाइम, वो स्टूडेंट को पढ़ाते थे एंड दे सेंड द स्टूडेंट्स टू मेमोराइज इट ओरली, क्योंकि उस टाइम पे ओरल ट्रेडिशन था, ओरल टू ओरल है कि नहीं। सो जब पढ़ाया जाता था उसी टाइम पे बच्चों को याद करना होता था। ठीक है,
अब इसलिए इसको जो है बहुत ज़्यादा केयर और ग्रेट केयर के साथ पढ़ाया जाता था। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कम्पोज एंड टॉट एंड लर्न बाय मैन, मोस्ट ऑफ, ठीक है। अब मोस्ट इसका मतलब ये नहीं कि ऋषि है तो ऋषिकाएं नहीं होती थी, ऋषिकाओं का भी वर्णन है हमारे वेदों में, क्लियर। द ऋग्वेदा इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल। सो जो हमारा ऋग्वेद है वो किस में लिखा हुआ है, वो ओल्ड स्कूल या पुराने टाइम के संस्कृत में, जिसको हम लोग वैदिक संस्कृत बोलते हैं, उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और जो हम लोग स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं उससे ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, ये पूरा का पूरा अलग है, ठीक है। पुराने टाइम में मेजरली दो लैंग्वेजेस चलते थे, दैट वॉज संस्कृत, ठीक है, एंड पाली, सॉरी पाली बोल रहा हूँ, संस्कृत, एक सेकेंड, संस्कृत एंड प्रकृत, ये मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ज़्यादातर यूज हुआ था, होता था ये दोनों लैंग्वेजेस, क्लियर। द बुक्स वर रिटन एंड प्रिंटेड, द बुक्स वी यूज आर रिटन, अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं वो रिटन होता है और प्रिंटेड होता है। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रैदर देन रीड, उसको रिसाइट किया जाता था, बोला जाता था और सुना जाता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरी आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कम्पोज एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो, 200 साल हुआ ही है इसको प्रिंट हुए हुए, ठीक है। तो हो सकता है इसमें क्या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। अब हाउ डू हिस्टोरियंस स्टडी ऋग्वेद, जो हिस्टोरियंस है वो ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं, इस बारे में हम लोग जानते हैं। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, हु इज आर्कियोलॉजिस्ट भाई, जो पुराने टाइम के पास्ट एविडेंट, ठीक है, जो बोरियल साइट होते हैं या कुछ भी जमीन के नीचे से निकाल कर उसके बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेंस, ठीक है, दे स्टडी द मटेरियल रिमेंस, दे एग्जामिन एंड रिटन सोर्सेज एज वेल, लेट अस सी हाउ दे स्टडी ऋग्वेद, तो वो ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सम ऑफ द हाइम्स इन ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, एक डायलॉग के फॉर्म में एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोला इस टाइप से। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हाइम, अ डायलॉग बिटवीन द सेज नेम विश्वामित्र एंड टू रिवर्स बीस एंड सतलज वेयर वर्शिप एज गॉडेस, ठीक है, यानी कि बीस और जो सतलज है उनको एज अ गॉडेस की तरफ क्या किया जाता, प्रेस या पूजा उनकी की जाती थी, तो उसके बारे में, ठीक है, विश्वामित्र एंड रिवर्स। यहाँ अगर ध्यान दें हम लोग, तो इसके पहले थोड़ा सा ध्यान आप लोग इधर भी दे दो। अ पेज फ्रॉम ऋग्वेद, ये देखो ऋग्वेद का पेज है, दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद ऑन द बोच बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर अबाउट 150 ईयर्स अगो, इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट द ऋग्वेद एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, इट इज नाउ प्रिजर्व इन अ लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। तो पुणे महाराष्ट्र में जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे इसको क्या किया गया है, अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा है जब इंडिया इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी, इतने सुंदर सुंदर टेम्पल्स, जब लोगों को पेंटिंग करना नहीं आता था तो यहाँ पर कार्विंग होती थी, वो भी 3D कार्विंग्स, है कि नहीं। सो जब इंडिया इतना आगे था तो उन्होंने कभी पेज को क्यों नहीं डिस्कवर किया, कभी सोचा है? इसका मेन रीजन है क्योंकि हम लोग संस्कृत वर्ड यूज करते हैं, संस्कृत एंड हिंदी एज आवर लैंग्वेज। कभी ये चीज़ नोटिस किया कि इंडियंस जो है वो सारे लैंग्वेजेस बोल लेते हैं लेकिन बाहर के लोग हमारे जैसा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, क्यों नहीं हो पाता है? अभी मान के देखो यहाँ पर हमारे पास कितने लैंग्वेज अल्फाबेट्स है, 26 लेटर ABCD, है कि नहीं। अब यहाँ पर हिंदी की बात करें तो सो ऐसा है। अब थोड़ा सा इस पर डीप जाते हैं, अब ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, जब हम लोग ये बोलते हैं तो हमारे जो वोकल कॉर्ड है उसका एक पर्टिकुलर ऑर्गन और पर्टिकुलर जो एरिया है वही यूज होता है। जैसे ए के लिए इस ये एरिया से हम लोग बात करते हैं, बी तो होंठ से बात करें, सी तो जीभ से बात करें, डी तो हम लोग टंग से बात कर रहे हैं, है कि नहीं, टंग यूज कर रहे हैं। हिंदी में थोड़ा सा यही चीज़ ट्राई करो, तो क ख ग घ अंग, क थोड़ा ऊपर, ख थोड़ा नीचे, ग थोड़ा नीचे, घ थोड़ा नीचे, अंग पूरा कंठ से, क ख ग घ अंग, आप देख रहे हो पूरा थ्रोट हमारा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। फिर क क क गंग, च छ ज ध न, त थ द ध न, त थ द ध न करे तो सिर्फ जीभ का ही यूज हो रहा है, त थ द ध न, अब प फ ब भ म सिर्फ होंठ का ही यूज हो रहा है। सो दिस इज हाउ इट वॉज डिजाइंड। तो संस्कृत तो
बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसके लिए, तो पूरा आपको पूरा वोकल सिस्टम का पहले हुए विश्वामित्र एंड द रिवर्स, इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं है क्या। ठीक है, विश्वामित्र, ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउस दैट लिक देयर काव्स। यानी कि ये बोल रहा विश्वामित्र कि ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन्स या लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, दो घोड़े जैसे आते हैं। ठीक है, लाइक टू शाउनिंग काउस, दो चमकते हुए गायों की तरफ से आओ, जैसे दैट लिक देयर काव्स, जो अपने काव्स को क्या कर रही हैं, लिक कर रही हैं, दे आर लिकिंग इट। ठीक है, यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, तुम जो हो सी में एज अ चैरियट यानी रथ की तरह क्या कर रहे हो, मूव करते हो। थ्रू द पावर ऑफ इंद्र यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर, यानी वी जस्ट लच क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू यूनाइट ईच अदर। तो देखो यार कितने अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आई विल रिकमेंड कि आप इसको अपने से एक बार पढ़ लें। ठीक है, दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि उस टाइम पर एग्जामिन करके इतना अच्छे से लिखा जाता था। 3500 साल भी अगर पुरानी नहीं, मैं तो 5000 साल की बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आते हैं कैटल हॉर्सेस एंड चैरियट्स, ये क्या है भाई। देर आर मेनी प्रेयर्स इन ऋग्वेद फॉर कैटल चिल्ड्रेन स्पेशली द सन एंड हॉर्सेज, हॉर्सेज वर योग्ड टू चैरियट दैट वर यूज इन बैटल विच वर फॉट टू कैप्चर, ठीक है, द कैटल। पुराने टाइम में लड़ाइयाँ होती थी जस्ट टू कैप्चर कैटल। बैटल आर ऑल्सो फॉट ऑन लैंड, बैटल जो है उसको लैंड पे भी क्या किया जाता था, लड़ाया जाता था, विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डली क्रॉप दैट राइपेंड क्विकली सच एज बार्ली। यानी कि जो इम्पॉर्टेंट पास्चर्स है, जैसे कि पास्चर का मतलब क्या होता है, पास्चर का मतलब होता है फूड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब एनिमल्स के फूड क्या होंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है घास होगा ना, है ना। सम बैटल्स फॉर फॉट फॉर वाटर, कुछ कुछ बैटल थे जो वाटर के लिए लड़े जाते थे और पीपल को कैप्चर करने के लिए भी क्या किए जाते थे, लड़े जाते थे ऑब्वियसली, और किंगडम को भी एक्सपैंड करने के लिए लड़े जाते थे। सम ऑफ द वेल्थ वॉज ऑप्टेंड वॉज केप्ड बाई द लीडर, जो भी वेल्थ ऑप्टेन होता था वो लीडर मैक्सिमम रखता था और जो कुछ बचा हुआ वो प्रीस्ट को और जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था अमंग द पीपल। ठीक है, समझ जाओ, मीन्स ऊपर राजा, फिर प्रीस्ट जिसको ब्राह्मण बोला जाता था, फिर उसके बाद नॉर्मल सिटीजन। ठीक है, ब्राह्मण को इसलिए उस टाइम पर ज़्यादा दर्जा दिया जाता था बिकॉज दे वर टीचर्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ पहले भी बताया कि पुराने टाइम में वर्ण सिस्टम होता था, है कि नहीं, देर वर ब्राह्मणास, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अब ये कौन है भाई, ब्राह्मण वर द टीचर्स जो टीच करते थे, ठीक है, क्षत्रिय वर द वॉरियर्स, वैश्य वर द बिजनेसमैन एंड शूद्र वर आर्टिस्ट्स। ठीक है, तो ऐसा होता था, पीपल वर डिवाइडेड ऑन द बेसिक बेसिस ऑफ देयर वर्क। ठीक है, अब सम वेल्थ वर यूज्ड टू फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द यज्ञ और सैक्रिफाइसेस इन विच ऑफरिंग वर मेड टू द फायर। ठीक है, यानी कि पुराने टाइम में यज्ञ भी हुआ करता था, ठीक है, जहाँ पर और सैक्रिफाइस भी होते थे, जहाँ पर ऑफर किया जाता था किसको, फायर को, कोई भी सैक्रिफाइस होता था तो फायर को ऑफर किया जाता था। दीज वर मेंट फॉर गॉड एंड गॉडेसेस, जो कि गॉड्स और गॉडेसेस के लिए हुआ करते थे। ऑफरिंग जो है बहुत सारे चीज़ों की की जाती थी। ऑफरिंग किसकी होती थी, घी की होती थी, ग्रेन की होती थी और कभी कभी एनिमल्स की भी होती थी। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, जब यज्ञ की बात होती है या यज्ञ की बात होती है, एक चीज़ याद रखो, बहुत लोग बोलते हैं कि यज्ञ से या यज्ञ से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा धुआं होता है, एनवायरमेंट को हार्म पहुँचता है, लेकिन उन गधों को बताओ कि होता क्या है यज्ञ के लिए, जो है क्या यूज़ होता है, मैंगो, मैंगो ट्री के क्या होते हैं, लकड़ियों का यूज़ होता है। इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, इसमें हम लोग मिक्स करते हैं घी, किसके साथ, विथ फायर। ठीक है, अब एक बात मैं बताता हूँ आप लोगों को छोटी सी, ठीक है, जाके एक बार इंटरनेट पे सर्च करो, ठीक है, व्हाट इज द व्हाट इट विल डू विद द स्मोक जो आएगा इफ विल बर्न मैंगो ट्री। ठीक है, मैंगोज वुड क्या होगा, ठीक है, सर्च करना एक बारी फिर पता करके क्या ये हार्मफुल है मैंगो ट्री का स्मोक जो होता है। ठीक है, अब वो करके मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो अभी यहाँ देखो, मोस्ट वांट टू पार्ट इन दिस वॉर मेन है, वो वॉर के लिए ऑब्वियसली पार्ट लेते थे। देर वर नो रेगुलर आर्मी, आर्मी नहीं हुआ करती थी, बट देर वर असेंबलीज वेयर पीपल मीट एंड डिस्कस मैटर ऑफ द वॉर एंड पीस। ठीक है, जहाँ पर असेंबली हुआ करती थी, जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल केम टुगेदर एंड डिस्कस द मैटर अबाउट द वॉर एंड द पीस। क्लियर,
दे ऑल्सो चूज लीडर हुआ करते थे, यानी इट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी जहाँ पर लीडर्स को चूज किया जाता है, ठीक है। और जो लीडर है वो ऑब्वियसली ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर होना चाहिए, वॉरियर होना चाहिए, नॉट अ वॉरियर, ठीक है। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, पीपल को कैसे डिस्क्राइब किया गया, चलिए देखते हैं। देर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म ऑफ द वर्क दे डू, एज आई सेड, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग, एंड टू द फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। वहाँ पर लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल इन ऋग्वेद, ठीक है। अब देखते हैं क्या है हमें। देर आर टू पीपल, सॉरी टू ग्रुप व्हिच आर डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ देयर वर्क, द प्रीस्ट समटाइम कॉल्ड द ब्राह्मण, ठीक है, हु परफॉर्म द रिचुअल, एंड द राजा, यानी प्रीस्ट है और राजा का बात किया। द राजा वर नॉट लाइक द वंस, राजा के बारे में बताइए, द ग्रुप ऑफ द लीड, ग्रुप ऑफ द सिटीजन, या ग्रुप सॉरी लीडर ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, उनके पास सिटीज नहीं हुआ करती थी, पैलेसेस नहीं होते थे, आर्मी नहीं होते थे, नॉर डिड दे कलेक्टेड टैक्स, वहाँ पर टैक्सेस का भी कोई भी क्या था, झमेला जो झपाटा नहीं था। जनरली सन्स डू नॉट ऑटोमेटिकली सक्सेस फादर्स एट देयर राजा, यानी कि वहाँ पर पेट्रियार्कल सिस्टम भी नहीं थी। सोचो हाउ ग्रेट उस टाइम पे थिंकिंग थी लोगों की, कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बिकॉज द सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड, क्योंकि उसको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते थे। टेस्ट देने के अलावा उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसको उसको पास करके फिर उसको लीडर बनाया जाता था। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल, जिसको हम लोग जन बोलते हैं, ठीक है। जन, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनपद, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, और बहुत बड़ी ग्रुप ऑफ पीपल हो जाती थी तो उसको बोलते हैं हम लोग वहां जनपद, क्लियर। सो ये चीज है, अगर आप लोगों को पता है कि जनपद क्या है और महाजनपद क्या है तो फटाफट से एक काम करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि जनपद क्या है और महाजनपद क्या है। यहाँ पे मार्क कर दो जनपद एंड महाजनपद, ठीक है। चलिए अब यहाँ एक और आता है, द अदर वॉज विश, द वैश्य कम्स फ्रॉम विश, विश से वैश्य आया है, ठीक है। विश वो जहर वाला विश नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सेवरल विश और जन आर मेंशन्ड बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरुजन और विश, पुरुजन मतलब जो पुराने टाइम के लोग हुआ करते थे, द भारत जन और विश, और वधुजन और विश, एंड सो ऑन। यहाँ पर मैक्सिमम विश के अंडर में बहुत सारे लोग आ गए हैं, कौन कौन, पुरुजन, यदुजन, भारतजन, ठीक है। तो समझ रहे हो आप लोग किस तरीके से इलैबोरेटेड और किस तरीके से सिंक्रोनाइज और हायरार्कियल फॉर्म में नामों को रखा जाता था। डू एनी ऑफ दिस नेम फाउंड फेमिलियर, क्या आपको सुना सुना लग रहा है, तो देखते हैं क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। समटाइम्स पीपल हु कंपोज हाइम्स, हाइम्स का मतलब होता है जो नहीं मंत्र टाइप होता है, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवः सलीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, है कि नहीं, तो क्या है हाइम्स ही है ना। और चैंट अलग होता है, चैंट का मतलब होता है एक ही नाम को बार बार रिपीट करना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ठीक है ऐसा। अब देखो ऐसे लोग जो हाइम्स को क्या करते थे, कंपोज करते थे, उसको आर्य बोला जाता था, एंड कॉल देयर अपोनेंट एज दासा और दासियूज, ठीक है, इस टाइप से दासास नाम से बोला जाता था जो उनके क्या थे, अपोनेंट्स थे। अब दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रीफाइसेस, ये लोग जो है दास, ठीक है, वो जो है सैक्रीफाइस को परफॉर्म नहीं करते थे, एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस और अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते थे। सो यहाँ पर एक और चीज़ है कि अपोनेंट्स की जब बात आती है, दो कम्युनिटी में जब अपोनेंट्स की बात आती है तो मुझे एक चीज़ याद आता है, ठीक है, डिबेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, शास्त्रार्थ बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है। आप लोगों को पता है कि डिबेट जो है, प्रॉपर डिबेट करने का तरीका भी सबसे पहले इंडिया में ही हुआ है, ठीक है, जिसको शास्त्रार्थ बोलते हैं आई गेस, ठीक है। सो ये चीज़, तो डिबेट जो बहस करने का कला है वो भी इंडिया से ही जन्म हुआ। लेटर द टर्म, अगर डिबेट के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप लोग उसकी चाणक्य की नीति पढ़ सकते हो, या चाणक्य जी के बारे में आप लोग जान सकते हो। लेटर द टर्म दास, ठीक है, एंड द फेमाइन, जिसको दासी बोला जाता है, केम टू बी मेन एज स्लेव, उनको स्लेव माना जाता था या माना जाने लगा। स्लेव वर वुमेन, वुमेन भी होती थी, मैन भी होती थी, हु वर यूजुअली कैप्चर्ड इन वॉर, ठीक है, उसको यूजुअली क्या करते थे, कैप्चर किया करते थे वॉर में। They were treated as property of their owners who could make them whatever work they wanted. अब देखो slavery का बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है,
सो ये बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर हो जाएगा। सेवरी क्या, सेवरी का मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को हराता है और उसके अंदर जितने भी लोग हैं अकॉर्डिंग अलॉन्ग विथ हिज किंगडम एम्पायर प्रॉपर्टीज एवरीथिंग, तो लोग को भी वो क्या करते हैं कैप्चर कर लेते हैं एंड दे फिर कुछ भी काम कर पाते हैं। ठीक है, वाइल द ऋग्वेद वॉज बींग कम्पोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट देर वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, अलग जगह पे अलग डेवलपमेंट हो रही थी वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेलियंस सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। अब देखो मेगालिथ का मतलब क्या होता है, देखो जब अगर हम लोग मेगालिथ पढ़ रहे हैं ठीक है तो एक काम करते हैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं, क्या भाई मेगालिथ है तो माइक्रोलिथ भी होती होगी है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड का डिफरेंस है मेगा और माइक्रो। ठीक है, लिथ का मतलब होता है टूल्स, नहीं लिथ का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, सो मेगालिथ मतलब बड़े बड़े स्टोन के टूल्स और माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे स्टोन के टूल्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आप लोगों को मेगालिथ और माइक्रोलिथ देखना है सो लेट मी शो यू, ऑनलाइन पिक्चर्स अवेलेबल हैं, जब इंटरनेट है तो क्यों नहीं कर सकते लोग। देखते हैं माइक्रोलिथ्स पहले कि माइक्रोलिथ जो है वो कैसी होती थी, क्योंकि अगर विजुअली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, ये रहा ये हमारा माइक्रोलिथ है। देखो कितने छोटे छोटे है कि नहीं, लिटिल स्कर्टफुल ट्यूमुलस। अब ये एज अ टूल यूज कर सकते हैं है कि नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा का सा साइड में इधर इधर एज अ टॉप एज है, यहाँ भी एज बना हुआ है नहीं? और ये जो एरिया है ये शार्प हुआ करता था तो वो हेल्प करता था चॉपिंग में भी हेल्प कर सकता था, कटिंग में भी हेल्प कर सकता था। अब चॉप और कट वो क्या करेंगे पुराने लोग, तो पुराने लोग चॉप और कट क्या ही कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं, घास वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मेगालिथ्स को कि मेगालिथ जो है कैसे दिखते हैं। मेगालिथ वो क्वाइट ह्यूज, ये देख लो आप। ठीक है, उसको फिर एज अ शेल्टर वगैरह भी लोग यूज़ किया करते थे। ठीक है, लेकिन बात ये है कि वो लोग इतनी भारी भरकम चीज़ उठाते कैसे थे है कि नहीं, तो अगर आप लोगों को पता है तो यार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, ये चीज़। अब देखो आप अकॉर्डिंग टू द बुक देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द बुक इट सेज दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ। कौन से स्टोन बोल्डर्स भाई, यहाँ पर अभी मैंने यहाँ दिखाया ये स्टोन बोल्डर्स। ठीक है, दीज वर केयरफुली अरेंज बाय द पीपल एंड वर यूज टू मार्क बोरियल साइट। इसको हाँ बोरियल साइट के लिए भी यूज किया जाता है कि हाँ भाई इधर में क्या है इसका आदमी का बॉडी है। द प्रैक्टिस ऑफ द इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन इन अबाउट 3000 ईयर्स अगो एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कश्मीर। ठीक है, ये बहुत पुराने टाइम की चीज़ है। अब ये कहाँ पर है भाई, डेक्कन साइड में भी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एशिया में और कश्मीर के भी बहुत सारे पार्ट में अभी भी मेगालिथ्स क्या होते हैं मिलते हैं। और मेगालिथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज, जहाँ से हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में क्या हो पता चले। क्लियर, अब सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेगालिथ्स। ठीक है, जो मैप टू में शो किया हुआ आर शोन इन द मैप टू वाइल सम कैन बी सीन ऑन द सर्फेस। अब देखो कोई कोई मेगालिथ्स होते हैं जो सर्फेस पे ही दिख जाते हैं और कोई कोई बरियल मतलब मिट्टी के नीचे दिखते हैं या जमीन के नीचे दिखते हैं। अदर मेगालिथ्स बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड, जो अभी मैंने बताया अंडरग्राउंड भी बहुत सारे होते हैं। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे सर्कल्स बने हुए हैं कि नहीं स्टोन बोल्डर्स के। सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और सिंगल लार्ज स्टोन स्प्रेडिंग ऑन द ग्राउंड, दीज आर द ओनली इंडिकेटर दैट देयर आर बरियल्स बीनीथ, कि इसके नीचे क्या है बरियल्स है नीचे। क्लियर, अब देखो ऑल दीज बोरियल हैव सम कॉमन फीचर्स, क्या कॉमन फीचर है कि जो लोग मर जाते थे ना उसके साथ साथ उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनको भी क्या कर दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था एज अ साइन कि उनको ऐसा लगता था कि आफ्टर लाइफ होता है तो उसको आफ्टर लाइफ में क्या हो ये सब चीज़ें मिल जाए, तो इसलिए उनको इसके साथ भी गाड़ा जाता था और बहुत लोग तो खाना वगैरह या मीट वगैरह भी रख दिया करते थे ताकि उसको आफ्टर लाइफ में हेल्प करे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ब्लैक एंड रेड वेयर, ये क्या है देखो। जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड द ब्लैक एंड रेड वेयर, ऑल्सो आर टूल्स वेपन ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्सेज हॉर्स इक्विपमेंट एंड अदर ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। ठीक है, सो ये चीज़ है। अब आते हैं फाइंडिंग आउट द सोशल डिफरेंसेस, क्या उस टाइम के सोशल डिफरेंसेस हुआ करते थे देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट द ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू अ डेड पर्सन, अब स्केलेटन है तो ऑब्वियसली स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू अ डेड पर्सन। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन अनदर, तो इससे क्या पता चलेगा जो एक आदमी है अमीर होगा, इसके पास कम सामान है वो गरीब होगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है,
ये चीज है। अब यहाँ क्या है, वन स्केलेटन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ ब्रह्मगिरी की बात हो रही है। ब्रह्मगिरी में जो है, मैप टू अगर आता है तो मैं दिखाता हूँ आपको, एक स्केलेटन जो है उसको बरी किया गया विथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। वन स्केलेटन स्केलेटन हैव ओनली 1 पॉट, सिर्फ एक पॉट है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। दिस फाइंड सजेस्ट दैट दिस वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग द पीपल हु वर बरीड, सम वर रिच, अदर वर पुअर, सम वर चीफ्स एंड अदर वर फॉलोअर्स। तो इसकी बात हो रही है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई फॉलोअर है या फॉलो कर रहा है, और कोई चीफ है यानी कि जो जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। अब वर सम बरियल स्पॉट मीन्स ऑफ सर्टेन फैमिली, इसके फैमिली भी होती थी उस टाइम पे। लेट्स सी, समटाइम्स मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, स्केलेटन एक से ज़्यादा स्केलेटन भी हुआ करते थे उस टाइम पे, अभी भी मिलते ही हैं। दीज इंडिकेट दैट पीपल पर हैव बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बरीड इन द सेम प्लेस थ्रू नॉट एट द सेम टाइम, दो नॉट एट द सेम टाइम। अच्छा, एक साथ तो ऑब्वियसली नहीं होगा, कैसे होगा भाई, मान के चलो एक जगह पे किसी फैमिली की पर्सन की डेथ हो गई, फिर उसी फैमिली में किसी और की डेथ होती है, तो लोगों को उस वो सेम फैमिली के लोगों को एक ही बरियल साइट में क्या करते हैं, मारा जाता है, वो लोगों में गाड़ दिया जाता था या दफना दिया जाता था। क्लियर, द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट टू इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स, यानी पोर्ट होल हुआ करते थे उस टाइम पे। स्टोन सर्कल और बोल्डर्स वर प्लेस ऑन द सर्फेस, प्रोबेबली सर्व्ड एज अ साइन पोस्ट टू फाइंड द बोरियल साइट सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेनेवर दे वांटेड टू। इसीलिए जब बोरियल साइट पे जो गोल गोल ऐसे करके बनाते थे ताकि एज अ साइन पोस्ट काम करता था, ताकि लोगों को क्या पता, अच्छा इस फैमिली का मेम्बर इधर पे क्या है, दफन किया हुआ है या गाड़ा हुआ है। क्लियर, अब आते हैं स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। ये स्पेशल बरियल क्या है, देखो अब मैप टू बहुत आ रहे हैं, वेयर इज मैप टू, लेट मी सी, ताकि मैं आप लोगों को भी क्या करूँ दिखा पाऊँ। मैप टू हेलो मैप टू, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले, वेयर इज मैप टू सर मैप किधर है यार, अरे भाई फिरकी ले लिया ये तो एनसीईआरटी हमारा, आए हैं और चिट्ठी आई है यहाँ। चलिए कोई बात नहीं, फिरकी ले लिया कोई बात नहीं, स्टिल आई दिखा दूंगा अभी कभी नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में। अब मैप टू में इनाम गांव फाइंड करेंगे, कर लेंगे बाद में। पेज नंबर 39 इस चैप्टर में नहीं। अब इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 and 2700 years ago। हियर एडल्ट्स वर जनरली बरीड ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो एडल्ट्स हुआ करते थे उसको क्या किया जाता था, बरी कर दिया जाता था ऑन द ग्राउंड, लेड आउट स्ट्रेट, उसको सीधा लेटाया जाता था, विद हेड ऑनवर्ड्स टू द नॉर्थ, यानी हेड को कहाँ रखा जाता था, ऑलवेज टू द नॉर्थ। समटाइम्स बोरियल वर विद इन द हाउसेज, बोरियल कभी कभी घर में ही होते थे। वेसल्स दैट कंटेन फूड, ठीक है, एंड वाटर वर प्लेस ऑन द विद द डेड, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4 लेग्ड क्ले जार इन अ कोर्ट यार्ड ऑफ अ 5 रूम्ड हाउस, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेज एट द साइट इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। दिस हाउस ऑल्सो हैड ग्रीनरी, यहाँ पे ग्रीनरी भी था जहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन, जैसे जैसे क्रॉस करके हम लोग आराम से बैठते हैं, कैसे दिखाऊंगे इसके नीचे ना बेड टेबल के, समझ जाते हो ना, मतलब आराम से बैठते तो कैसे ऐसे करके बैठते, तो क्रॉस लेग पोजिशन में उसकी बॉडी रखी गई थी। ठीक है, सो इट वॉज स्पेशल फॉर देम, है कि नहीं। अब आते हैं ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव, इनाम गांव में क्या ऑक्यूपेशन से क्या नहीं थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड ऑफ वीट, बार्ली, राइस, पोल्सेस, मिलेट, पीस एंड सीसम, बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, मेनी बियरिंग कट मार्क्स शो दैट दे हैव बीन यूज्ड एट फूड। ठीक है, अब यहाँ पे बोन्स है। ठीक है, अब मान के चलो नॉर्मल सा अगर मैं ऐसे बोन बनाऊँ, ये बोन बन गया मेरा, और यहाँ पर हल्का सा स्क्रैच है, ठीक है, या कट मार्क है, तो व्हाट दिस विल शो, दिस विल शो स्मॉल इरेजर। ठीक है, यहाँ पे कट मार्क, तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ऑब्वियसली बात है इस एरिया में किसी शार्प चीज से क्या किया गया, उसको वार किया गया या हमला किया गया। दे ऑल्सो हैव बीन फाउंड, दिस इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस्पिक, सांबार,
स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप एंड मंगूस बिसाइड बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश। तो इतने सारे एनिमल्स के साथ क्या था इन लोगों का कनेक्शन था जो इनाम गांव में रहते थे। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड एज अ फूड, क्योंकि ये सब चीज़ नेचुरली और इजीली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, है कि नहीं, आराम से मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, फूड के लिए तो वो लोग यूज करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर एक की वर्ड दिया हुआ है और एक एक चीज़ को मैंने क्या किया, प्रॉपर से डिस्क्राइब किया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कमेंट कि वॉट इज वेद, वॉट इज हाइम, वॉट इज सैक्रीफाइस, हु आर स्लेव्स, वॉट आर मेगालिथ, वॉट इज बोरियल। ठीक है, स्केलेटन आयरन को करने का ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली बात है, सबको पता ही है क्या है। ठीक है, तो इसको अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। वॉट इज सुक्त, सुक्त का मतलब होता है वेल सेड। वॉट इज चैरियट, चैरियट वर यूज इन बैटल्स। दास, दास वर यज्ञ। नंबर फोर, वॉट इज मेगालिथ, मेगालिथ इज बोल्डर, और यज्ञ वर सैक्रीफाइसेस। क्लियर, तो ये तो इजीली यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है, सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई विल ट्राई कि मैं एवरीडे लेक्चर्स एक एक करके लाता रहूँ। वी विल कवर क्लास 6 टू क्लास 12 एवरी चैप्टर, सो प्लीज़ बने रहिए। ठीक है, और मैं बहुत सारे शॉर्ट्स जो इन्फॉर्मेटिव हैं यूपीएससी से रिलेटेड वो भी डालता रहता हूँ, सो यू कैन चेक दैट आउट टू। और मेरा एक और चैनल है जहाँ पर मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच इट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और आपको मेरे चैनल मतलब अगर आप होम पेज मेरे चैनल को खोलेंगे तो होम पेज पर वो चैनल फीचर्ड है। सो यस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।